हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट क्लास फोर पार्ट टू क्वेश्चन सिक्स। सिक्स द नंबर इन व्हिच फाइव हैज द ग्रेटेस्ट प्लस वैल्यू। देखें कैसा बेटा, इसमें जो नंबर दिए हैं ये नंबर है 50 50, बी में 521, सी में 1015 और डी में 5439 और ई में 4508। अब इसमें देखना है कि सबसे बड़ी प्लस वैल्यू 5 किसकी है, तो इसका देखेंगे प्लस वैल्यू 50 है बेटा, इसकी प्लस वैल्यू 500 है, इसकी प्लस वैल्यू 51 है, इसकी प्लस वैल्यू 5000 है। ओके बेटा, इसकी प्लस वैल्यू 500 ओनली है। देखें किसकी प्लस वैल्यू बड़ी है, 5000 की, तो इस पर आप टिक लगा देंगे। ओके बेटा, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, सीधा पैटर्न, सीधा पैटर्न एंड राइट द जो है मिसिंग नंबर, राइट द मिसिंग नंबर। तो देखेंगे 100 100 बढ़ रहा है, 1200 है, 1300 है, 14, अब 1500 हो जाएगा बेटा, 1600 हो जाएगा, 1700 हो जाएगा और 1800 हो जाएगा। ओके, ऐसे बेटा इसमें बढ़ रहा है 8 800 बढ़ रहा है, 800 फिर 16 फिर 24 फिर 32 फिर 40 फिर 48 फिर 56। ओके बेटा, अब इसमें देखेंगे ऐसे हो रहा है 2000 फिर 4000 फिर 6000, 2000 बढ़ रहा है, तो अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8000 8 10000 3238 and 3268 30,238 से लेकर 30,268 के बीच में कितनी संख्या बनेगी, तो हमने बेटर लिख दिया है कितनी संख्या बनेगी, तो आप गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इन संख्याओं को लेकर के आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं, तो हमें ध्यान देना होगा स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं लेंगे, सबसे छोटी संख्या इसमें 5 है, तो 5 को लेंगे, तो 5 के बाद में फिर 0 फिर 7 फिर 8, तो 5078 बनेगा। ये कह रहा है क्वेश्चन पे राइट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट 1309 1309, सभी संख्याओं का उपयोग करके ग्रेटेस्ट नंबर बनाना, बड़ी संख्या बनाना है, तो बड़ी संख्या में सबसे बड़ा नंबर पहले लेते हैं बेटा, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, 9 है, तो 9 लेंगे, फिर 3 है तो 3 लेंगे, फिर 1 है फिर 0 है, तो 9310 आंसर हो गया बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है राइट द प्रेस वैल्यू ऑफ ये डिजिट 4369 का प्रेस वैल्यू निकालना, तो 9 का प्रेस वैल्यू बेटा निकालेंगे हम सबसे पहले, तो 9 1 9, क्योंकि ये 1 पे है, ये 10 पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 6 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 4 का 1000 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4000 हो जाएगा। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ, फाइंड द डिफरेंस इन द प्लस वैल्यू ऑफ 29 अबाउट इन जो है 9296, इनमें जो है इन संख्याओं में दो बार 9 आया है, दोनों का प्लस वैल्यू निकालिए और दोनों में अंतर बताइए, तो दोनों संख्याओं का प्लस वैल्यू निकाला गया, इस 9 का प्लस वैल्यू क्या हुआ 90 और इस प्लस वैल्यू का, इस 9 का प्लस वैल्यू निकाला गया तो 9000। अब 9000 में से 90 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस निकालने के लिए, तो क्या बचा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1 9 और यहां बचा 8910 आंसर बेटा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, राइट ईच ऑफ जो है दिस नंबर एंड स्पेंडर जो है स्पेंडर नोटेशन, इसको स्पेंडर में लिखना है, तो देखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1879, तो 1879
879 ऐसे 2410 6 ऐसे 5580 फिर 7154। ओके बेटा, तो ये आपके 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगले वीडियो में 13 के आगे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। पार्ट वन में इसके पहले क्वेश्चन बताए गए थे जो है क्वेश्चन 5 तक, ये क्वेश्चन 6 से लेकर के और 13 तक आपको बताए जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे ढंग से पढ़ें, होमवर्क को नोट करें और उसको बार बार जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। गुड इवनिंग बेटा।